राघानंदा इस नाम से कौन नहीं वाकिफ है। इनके लिए एक कहावत प्रसिद्ध है, दिखने में छोटे हैं पर घाव करे गंभीर। जी हाँ, द लिटिल इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर प्राघनंदा, जिनका जन्म चेन्नई में 2005 में हुआ था और जिन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल चेस मास्टर टाइटल को हासिल कर लिया था। इक्वली टैलेंटेड है इनकी बड़ी बहन भी, जिनका नाम है आर वैशाली। इन्होंने 2013 में महज 12 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को दी थी करारी मात। प्राघनंदा और वैशाली के पिता श्री रमेश बाबू TNSE बैंक में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और माँ नागलक्ष्मी एक होम मेकर है। ज्यादातर देश और विदेश की कॉम्पिटिशन्स में वही जाती हैं एज अ स्क्वाड दोनों के साथ। प्राघनंदा और उनकी बहन आर वैशाली विश्व की पहली और अकेली ऐसे भाई बहन की चेस खिलाड़ी जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर टाइटल से जानी और मानी जाती हैं। जहां चेस वर्ल्ड कप 2023 में वर्ल्ड कप इतिहास में भाई प्राघनंदा चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे ऐसे इंडियन चेस प्लेयर बने जो फाइनल्स में आए, वही बहन आर वैशाली बनी भारत की तीसरी ऐसी महिला चेस प्लेयर जिन्हें मिली ग्रैंड मास्टर की उपाधि। इन दोनों के खून या कहीं जीन्स में बसता है चेस, क्योंकि इनके पिता श्री रमेश बाबू भी एक जमाने में चेस प्लेयर रह चुके हैं और इसलिए दोनों को ही उन्होंने बचपन से चेस सिखाना शुरू कर दिया था। अरे हाँ, एक बात तो हम बताना ही भूल गए आपको कि जहाँ 9 जनवरी 2024 को आर वैशाली को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया, वहीं 16 जनवरी को प्राघनंदा वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरिन को हरा के बन गए इंडिया नंबर 1 शतरंज बाज। शाबाश प्राघनंदा और वैशाली, लगे रहो इंडिया।